दोस्तों, मेरा नाम है मुनव्वर शेख और आज हम सीखेंगे कि हमें कैलकुलेटर कैसे बनाना है माइक्रोसॉफ्ट एज में। तो हम चालू करते हैं। तो हमारा एज खुल चुका है और हम लिखेंगे code.org। जैसे ही हमने लिखा, इतनी अच्छी स्क्रीन आई है और अब हम दबाएंगे साइन इन। इधर मैंने यूजर नेम और पासवर्ड है मेरा, अगर आपका नहीं है तो आप क्रिएट एन अकाउंट दबा सकते हैं। तो फिर हमें नीचे स्क्रॉल करने के बाद मिलेगा ऐप लैब, हमें उसको दबाना है और हमारा ऐप लैब खुल चुका है। तो हमें ऑन इवेंट जार इंसर्ट करना है। और हम डिजाइन पे जाएंगे और बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, ये वाला ठीक है। और हम एबीसी लेबल इंसर्ट करेंगे, लेबल के टेक्स्ट में लिखेंगे एंटर फर्स्ट। नंबर हमने लिख दिया है और हम अभी इसको ऊपर लेंगे और थोड़ा बड़ा भी करेंगे। तो अभी ये हो गया। अब हम दूसरा लेबल इंसर्ट करेंगे एबीसी वाला और एंटर सेकंड नंबर लिखेंगे। अब हमारा इसका तैयारी हो चुका है। अब हम टेक्स्ट इनपुट यूज करेंगे। टेक्स्ट इनपुट पे हमें विड्थ पे लिखना है 125 और इधर रहेगा 130 और हमें एंटर फर्स्ट नंबर के नीचे रखना है और दूसरा भी टेक्स्ट इनपुट करके वही 125 और 130 लिखना है। ये अभी हो गया है हमारा। तो अभी हम और एक टेक्स्ट इनपुट यूज करेंगे और हम इसकी विड्थ बड़ा करेंगे कुछ 222 और हाइट 40 और हम इन दोनों के नीचे रखेंगे। अब हमें 4 बटन्स यूज करना है। ये है बटन 1, ये है बटन 2 और ये है बटन 3 और ये लास्ट वाला बटन 4 है। अब हमें कोड पे जाना है और इधर इवेंट आईडी पे लिखना है बटन 1। इस इवेंट आईडी पर बटन 2, इस इवेंट आईडी पर बटन 3 और इस इवेंट आईडी पर बटन 4। हमारा ये हो चुका है। तो अभी हम जाएंगे सेट नंबर पे और हम ये चारों के नीचे इंसर्ट करेंगे। अब हमें आईडी को करना है टेक्स्ट इनपुट 3। और हमें इन जीरो के जगह पर मैथ पे ये प्लस का साइन ऊपर, नीचे रहेगा माइनस, ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर है।
34 माइनस 12 22 ही आता है, ये भी करेक्ट आ गया। और 34 मल्टीप्लाइड बाय 12 408 आता है, ये भी करेक्ट है। और डिवाइड किया तो ये नंबर आता है, तो हम इसको करेंगे रीनेम कैलकुलेटर के नाम से और सेव करेंगे। अब हम इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अब हम इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड या दोस्तों या ग्रुप्स पे भेज सकते हैं। तो बाय दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक या शेयर करो मेरे चैनल को।